जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की नजर सभी मुद्दों पर है, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर है और ये समय समय पर देखा भी गया है। जब सीधे तौर पर चाहे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो या कोई भी समस्या हो, प्रधानमंत्री स्वयं जो है हमेशा एक नज़र बनाए रखते हैं और समीक्षा करते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो में, पुष्प वर्षा हो रही है और लोगों में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। किस तरह से लोग अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे और वर्षा के वो जो दृश्य है जो हम अक्सर देखते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान, जनता का जो प्रेम है वो दिखाई देता है। NDMC परिसर सभागार जहां पर BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब गुजरात की प्रचंड जीत के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो दिल्ली में हो रही है, लिहाजा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या संदेश इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से BJP अपने कार्यकर्ताओं को देने वाली है। देश भर में हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDMC सभागार जहां पर ये BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, अभी थोड़ी देर में वहां पर पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 6 थीम रखी गई है, जिसमें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गरीब कल्याण की योजनाओं पर आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है, समावेशी भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ है, कोरोना के दौरान जिस तरह से मदद हुई है उससे दुनिया भर ने भारत का लोहा माना है कि हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू कर सकते हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, अभिवादन किया, अभिनंदन किया। तो निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो सभागार है NDMC परिसर जहां पर ये BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है वहां प्रवेश करते हुए, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन जब 2 दिन की ये बैठक शुरू होने जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, वहां पर जो मौजूद मीडिया है और तमाम तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्त के रोड शो की हैं जब पटेल चौक से संसद मार्ग तक उन्होंने रोड शो किया, फिर NDMC जो कन्वेंशन सेंटर है जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आगाज आज से हुआ है वहां पर वो पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वहां पर उनका वेलकम किया। आपको ये अहम जानकारी दे दें कि आज से भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अहम रोड शो किया है और जिस तरीके से लगातार रोड शो के दौरान तस्वीरें देखने को मिली, बड़े ही भावनात्मक तरीके से लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों के साथ संपर्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है, उसी शैली में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक ये रोड शो चल रहा था। लगभग 20 मिनट का ये डिस्टेंस यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तय किया और सड़क के दोनों तरफ भारी मात्रा में लोग देख पा रहे थे जिन्होंने फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की। उनका दीदार करने के लिए अलग अलग जगह से, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। उनके समर्थक, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए दूर दराज से तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं कि ये जो आधे घंटे का स्ट्रेच है ये खचाखच लोगों से भरा हुआ नजर आया और अब BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। कई अहम मुद्दे हैं इस बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी। कार्यकारिणी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके मुद्दे पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि बहुत जल्द जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, और ऐसे में जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, उन्हें बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सटेंशन दिया जा सकता है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव हैं, जिनमें से कई महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं, और 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में संगठनात्मक लेवल पर भाजपा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो सकता है कोई बड़ा निर्णय इस कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाए, जहां उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके अलावा भी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, ये एनडीएमसी एक कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर भाजपा के कार्यकारिणी की, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। जानकारियों के मुताबिक यहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें मोदी कार्यकाल के तमाम जो काम उन्होंने किए हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, वो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक रोड शो कर रहे थे। हालांकि अब वो कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक का आगाज होना है। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री, इसके अलावा तमाम पदाधिकारी, महासचिव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, साथ ही हम कह सकते हैं कि संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। लगभग 300 लोगों के आसपास इस बैठक में शिरकत करेंगे, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें चुनावी रणनीति एक सबसे अहम मुद्दा रह सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। इसके अलावा 9 महत्वपूर्ण ऐसे राज्य हैं जिनमें चुनाव होना है। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द अनुच्छेद 370 और 35A के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की आज से शुरुआत हो रही है, 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। 17 जनवरी और 16 जनवरी को ये बैठक होगी। आज इस बैठक का आगाज हो गया है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग मोर्चों, प्रकोष्ठों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। तमाम पदाधिकारी, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, महासचिव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे, और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल का एक्सटेंशन के साथ साथ चुनावी राज्यों के संगठन में किस तरीके से फेरबदल करना है, संगठनात्मक तौर पर चुनावी राज्यों में किस तरीके से फेरबदल होगा, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, वहाँ पर किस तरीके से कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखनी है, चर्चा करनी है, ये कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में चर्चा संभव है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। कर्नाटक में भी क्योंकि विधानसभा चुनाव है, वहां पर किस तरीके सरकार को रिटेन करना है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कैसे सत्ता पर काबिज होना है, वहां पर धर्म परिवर्तन का मुद्दा इस वक्त तूल पकड़े हुए है। इसके अलावा राजस्थान में किस तरीके से काउंटर करना है कांग्रेस को, अशोक गहलोत वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। वर्ग की नहीं होती है, जीत में संपूर्ण जो राष्ट्र है वो ही राष्ट्र का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है। यही वजह है कि पीएम मोदी सभी को लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ वो पदाधिकारी नहीं, सिर्फ वो मंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो जानते हैं आखिरी पंक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक पूछना है, पहुंचना है, तो इसके लिए सभी को साथ लेकर चलना होगा। मेरे सहयोगी प्रशांत चुरे भी हमारे साथ में मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। जी देखिए, जिस तरीके का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है, उसका उत्साह जो लोगों ने देखा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ इस पूरी कार्यकारिणी से पहले एक रोड शो का आयोजन किया है,
वो लगातार कामयाबी के साथ में दिखाई दिया है, उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया और कोशिश भी दरअसल यही थी। दरअसल कार्यकारिणी की बैठक में जिन चीजों को लेकर मंथन होने वाला है, आगामी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद साल 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके लिए किस तरह से पार्टी एकजुट हो, पूरी मजबूती के साथ काम करे, वो सीटें जो पहले कमजोर मानी जाती थी उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है उत्साह। और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में यही उत्साह देखने को मिला। अभी भी ये तस्वीरें देखिए, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो काफिला गुजरा है जहां से रोड शो हुआ है। बड़ी तादाद में यहां कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की मौजूदगी थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे, अलग अलग राज्यों के ऐसे कलाकार और लोगों की मौजूदगी यहां थी। यानी एक ऐसी कोशिश थी जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वो किस मजबूती के साथ बीजेपी लड़ेगी, उसकी तैयारी जो कार्यकारिणी की बैठक में होने वाली है उसकी एक छवि दिखाने की कोशिश कि कैसे उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में है, और वही आज देखने को मिला। हालांकि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो यहां से गुजरा है उसमें तमाम वो लोगों की मौजूदगी थी जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। अलग अलग राज्यों से आए कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा हुजूम था यहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि तमाम वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी कार्यकारिणी की उस बैठक में भी है। और उससे पहले जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली है वो निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है खासतौर पर उस पार्टी के लिए जो सत्ता में होती है, कि चाहे राज्यों में हो या फिर केंद्र में हो, सत्ता उनकी बनी रहे। इसीलिए एक ज्यादा मशक्कत करने की कोशिश होती है उन सत्ताधारी पार्टियों की जो सत्ता पर काबिज है, और इस समय अगर केंद्र में बीजेपी की सत्ता है तो इसीलिए इस चुनौती को निपटने के लिए, ताकि अपनी मजबूती के साथ अपनी स्थिति को जनता तक पहुंचा सके। आपके पास दोबारा से लौटेंगे तो हमारे से प्रशांत दिखा रहे हैं और बता रहे थे कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला संसद मार्ग पटेल चौक से होते हुए गुजरा तो कितनी भव्य तस्वीर यहां से नजर आई, जन जन तक छाप छोड़ने वाली आज वो तस्वीर नजर आई है। लेकिन मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा कार्यक्रम 16 और 17 को लेकर यहां पर तय किया गया उस पर नजरें इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि हम चुनावी साल तो इसे कह ही रहे, लेकिन देखिए इसके इतर भी समझिए, वो आर्थिक नीतियां, वो आर्थिक विकास से जुड़ी हुई रूपरेखा जो कि पीएम मोदी के जरिए यहां पर अब स्ट्रैटेजी के तौर पर, ताकि और मजबूती भारत की अर्थव्यवस्था को मिले, कोविड काल में बहुत कुछ सहा गया है, उसकी भरपाई यहां पर कैसे हो, किस तरह से एक नई रणनीति के तहत स्थान का विकास, राष्ट्र का विकास हो, एक नई दिशा, एक नई दशा यहां पर तय हो, सब कुछ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होता नजर आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहते आए हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पीएम मोदी की जो छवि है, उनकी जो शख्सियत है, वो सिर्फ उस प्रतिनिधि के तौर पर नहीं है जहां पर एक जनप्रतिनिधि आदेश दे देता है कि ये कार्य है आपको संपूर्ण करने होंगे, पूर्ण करने होंगे, बल्कि जिन्हें ये आदेश दिया जाता है, जिन पर मजबूती से रखने का काम किया है आज अपने भी। तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 16-17 यानी कि आज कल की ये 2 दिन की बैठक, 2 दिन बहुत ज्यादा खास है, ये 48 घंटे यहां पर ये बताएंगे कि किस तरह से आगे की जो रणनीति है यहां पर बनाई जाएगी, फिर चाहे वो चुनावी तौर पर हो, आर्थिक विकास को लेकर हो, सामाजिक विकास को लेकर हो, खासतौर से G20 की अध्यक्षता यहां पर हिंदुस्तान के हाथ में सौंपी गई है जो कि अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेहद खास है, और इसमें सभी का सहयोग होना बेहद जरूरी है। ये मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ओवर टू यू। देखिए सबीना, ये महज बैठक नहीं है, इससे पहले हमें गतिविधियों को यहाँ पर नोट करना होगा कि आखिरकार इससे पहले, इससे 1 महीने पहले क्या हुआ। गृहमंत्री अमित शाह 15 दिन का दौरा अलग अलग प्रदेशों में करते हैं। राजस्थान में बीजेपी की जो यात्रा है वो निकली थी, इसके अलावा अलग अलग चुनावी प्रदेशों में यहाँ पर बीजेपी की जो संगठनात्मक बैठक है वो हो चुकी है। इसके अलावा हारी हुई सीटों को लेकर बाकायदा एक पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई है और उन हारी हुई सीटों को कैसे जीता जाए, खुद गृहमंत्री अमित शाह यहां पर उनकी देखरेख में उन सीटों का आकलन किया जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिन राज्यों में बीजेपी उभार हो सकता है, मतलब कि मसलन की तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश या फिर हम कहें असम की कुछ और सीट, यूपी में 61 से आगे
कैसे 75 या फिर 80 तक पहुंच सकते हैं, इस पर कैसे ध्यान दिया जाए, इन सारी बारीक पहलुओं पर ये ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा इस बैठक में और संबोधित करेंगे। ये बैठक ये नहीं है, इस पर तो ये कहेंगे ही पीएम की हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, चुनौती क्या है, चुनौती क्या है, क्योंकि देखिए बीजेपी अपने पीक पर यहाँ पर पहुंच चुकी है, सर्वोच्च प्रदर्शन हर राज्य में कर चुकी है, तो कैसे शिखर पर पहुंच के शिखर को बरकरार रखना, यह मूल मंत्र यहाँ पर है। और इसका होमवर्क जो किया जा चुका है उसका फीडबैक क्या है, ये बैठक में इसकी चर्चा होगी। आगे रोडमैप क्या होगा, मतलब कि किन किन बातों का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ध्यान रखना होगा, उन बातों का भी यहाँ पर जिक्र किया जाए। बहुत अहम एक और चीज़ है, वो तस्वीरें हम आपको अंदर की हम बाद में दिखाएंगे। एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर, अच्छी प्रदर्शनी खराब वो तो सब अपना अपना आकलन करेंगे, प्रदर्शनी है। इसमें मोदी सरकार ने 5 से 8 साल के बीच में क्या क्या काम किया है, उन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है। जितने भी महत्वपूर्ण नेता आए थे वो सारे के सारे नेता इस प्रदर्शनी से होते हुए आए थे। अब हम अगर गौर करें कि इनमें किन किन बातों का जिक्र था, इनमें कोविड काल के दौरान मोदी सरकार ने जो काम किया था, आत्मनिर्भर भारत के तहत जिन जिन प्रोडक्ट को डेवलप किया गया, G20 के दौरान किन किन महत्वपूर्ण नेताओं से पीएम मोदी मिले थे, इसके अलावा पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, इसके अलावा महत्वपूर्ण जगहों पर यहां पर दौरा, तो अलग अलग चीज यहां पर पहलू यहां पर दिखाया गया था। हर नेता, हर महत्वपूर्ण बड़ा नेता उस प्रदर्शनी को देखते हुए फिर इस कार्यकारिणी की बैठक में आया, मतलब कि आप सरकार के इस अचीवमेंट को देखिए, उसके बाद आप इस बैठक में हिस्सा लीजिए, आपके मन में यह आएगा कि ये सरकार ने अचीव किया है और इन्हीं बातों को आपको जनता तक पहुंचाना हो, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नितिन गडकरी हो, सब ने इस प्रदर्शनी को देखा। और कुछ हिस्से उस प्रदर्शनी के ये तस्वीरें हैं, मेट्रो, विक्रांत, रफाल, मिसाइल, ये सारी ये जो तस्वीरें हैं ये सरकार की उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र है। तो महज बैठक ही नहीं है, खुद ये एक रोडमैप है कि कैसे आने वाले दिनों में क्या चुनौती है। एक राजनीतिक दल अगर शिखर पे पहुंचा है, 2 बार सत्ता पे आ चुका है, तीसरी बार अगर उसको सत्ता पे आना है तो उसको उसी तरीके से मेहनत करनी होगी, कार्यकर्ताओं को उसी तरीके से जोर यहाँ पर लगाना होगा, देना होगा, संगठनात्मक कौशल का उनको अपना परिचय देना होगा, जो सरकार बात कह रही है उसको अंतिम शख्स तक पहुँचाना होगा। ये लाइन क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए ये लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये जो एक जो थीम है इस पूरी की पूरी बैठक का, ये महत्वपूर्ण बैठक है। और कमोवेश यही बातें पीएम मोदी या शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पर हर शख्स को यहाँ पर देंगे। रोड मैप, जो जहाँ तक रणनीति का सवाल है, बीजेपी की रणनीति हम सब ये जानते हैं पिछले कुछ सालों के दौरान की कैसे उनकी रणनीति होती, जिन हर सीट के हिसाब से रणनीति का खाका तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन उस रणनीति के तहत बात क्या हो, क्या कहेंगे, कैसे काम करेंगे, यहां पर ये अहम गुण यहां पर सीखे जाएंगे। और अंतिम कोने पर खड़े शख्स तक सरकार की बात पहुंचाई जाए, उसको फायदा मिले, ये इस बैठक का मूल मंत्र है। और बिल्कुल 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 अमित, और जिस तरह से ये बीजेपी ये साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव, खासतौर पर जो 9 राज्यों के चुनाव है और अगला 24 का लोकसभा चुनाव, उसकी रणनीति पर चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरह से अगर जनता के बीच जाकर विश्वास कायम किया जा सकता है, तो मकसद सिर्फ उपलब्धियों को गिनाना नहीं है, उन उपलब्धियों को लेकर और किस तरह से बड़े दायरे में विस्तृत रणनीति बनाई जा सकती है और उसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ नीतियों को बनाना ही नहीं, उन नीतियों की जो जो बारीकियां हैं, उन नीतियों से जो लाभ है वो किस तरह से गरीब तबका ले सकता है, मध्यम वर्ग का तबका ले सकता है, उसके बारे में भी जानकारी देना, वो साफ तौर पर कह चुके हैं ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नीतियां तो बना दी जाती है, क्योंकि कामयाबी की रेखा तभी लिखी जा सकती है जब आखिरी पंक्ति तक पहुंचा जाया जा सकता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की 2 दिन की जो कार्यकारिणी की बैठक है, मकसद जाहिर सी बात है साल 2023, क्योंकि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं।
तक मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय भी इसमें शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ मकसद ये भी है कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मजबूत किस तरह से बीजेपी होगी, और इसी मजबूती के साथ जब वो देश की जनता के बीच उतरेगी तो फिर रूपरेखा और विकास की रेखा और आगे बढ़ेगी। देखिए पिछले 9 सालों का जिक्र करें, क्योंकि 2024 में जब मोदी सरकार को 10 साल यहां पर हो जाएंगे, 5-5 साल का ये जो कार्यकाल यहां पर मोदी सरकार के जरिए पूरा किया गया है, तो सिर्फ वो उपलब्धियां ही सामने नहीं आएंगी। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे कि अंदर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके जरिए ये देने की कोशिश भी की गई है कि देखिए ये कामयाबी की रेखा जो है हमने खींची है, इस दायरे से आगे बढ़कर हम जन जन तक पहुंचे हुए हैं। साल 2009 का अगर आंकड़ा आप तक पहुंचाऊं, देखिए कुछ आंकड़ों को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी के जरिए आप बीजेपी की गति समझेंगे, रफ्तार समझेंगे। 2009 में 116 सीटें यहां पर हाथ लगी थी, जबकि उससे पहले ज्यादा सीटें थी। अचानक से कम होना यह बड़ा झटका था। साल 2024 जब मोदी मैजिक यहां पर सामने आया, और उसके बाद साल 2019, साल 2014 282, साल 2019 303 सीटें, और अब यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर 107 सीटों पर भी यहां पर फोकस किया जाएगा, आखिर क्या कमी रही, क्या मजबूती यहां पर हो सकती है, जन जन तक आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसे कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी जो उपलब्धियां हैं जो पहुंच नहीं पाई, क्यों आखिर वहां पर जो स्थिति है वहां ज्यादा और मजबूत होने की जरूरत है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस बैठक का, जिसे महज बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा, एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। बिल्कुल 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 सबीना, और यहाँ हम कन्वेंशन सेंटर के सामने ही ठीक मौजूद हैं, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लेकिन खास बात है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी थी, और ये देख सकते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन यहाँ जबकि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कि 2 दिन की ये बैठक शुरू हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी के तमाम सदस्य, 12 ऐसे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी है। खास बात यह है कि बीजेपी ने अब देश की लोकसभा चुनाव के लिए ऐसी 160 सीटें हैं जिस पर फोकस करने की और ज्यादा ठानी है। यानी जहां अभी भी बीजेपी को लगता है कि उनके विरोधियों का असर है, वहां किस और मजबूती से काम करने की जरूरत है। यानी जो सत्ता पर काबिज है उसके पास चुनौती कुछ और ज्यादा होती है, और ठीक उसी तरीके से बीजेपी की भूमिका, और इसी पर मंथन करने के लिए यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोड शो हुआ है, बड़ी तादाद में बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में जो अहम बातें हैं वो ये कि आगे आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति बनानी है, जहां पर वो सत्ता पर काबिज हैं वो किस मजबूती के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करें और उनकी मजबूती और ज्यादा हो, और वो कोशिश इसलिए भी है क्योंकि इसके ठीक बाद साल 2024 का यानी अगले साल लोकसभा चुनाव है, और उस आम चुनाव की रणनीति और उसके शंखनाद के तौर पर भी आज के इस रोड शो को देखा जा रहा है। और ठीक हमारे पीछे जहां एनडीएमसी में यहां बैठक हो रही है, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, यहां इन तमाम मुद्दों को लेकर चिंतन और मंथन का सिलसिला जारी है।